हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे प्यारे आरकेजी के डिजिटल चैम्प्स, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि कहावत है और आपने सुनी भी होगी, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि हजारों मील की जर्नी अगर आपको कवर करनी है तो पहला कदम तो दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा, और वो पहला कदम हमारा अब बढ़ने ही वाला है। हमारी जो जर्नी है वो 100 में से 100 लाने की है, 100 में से 100 लाने की। कुछ भी हो जाए, हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट कीमती है, बिजनेस स्टडीज़ भी उतना ही कीमती है जितने बाकी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो भी 100 नंबर का है। और हमें हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 की ही तैयारी करनी है, तभी हमारा मिशन पूरा होगा, तभी ऑल ओवर इंडिया हम टॉप करेंगे, ऑल ओवर इंडिया हमारी रैंक आएगी। इसी उम्मीद के साथ कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में हमें कुछ भी करके टॉप करना है, हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का कारवां। तो दोस्तों, बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स आपके पास पहुंच ही गई हैं, राइट, या पहुंचने वाली होंगी। 3 बुक्स मैं आपको दूंगा, 3 बुक्स, राइट। तीनों को अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो आपके फीस में, कोर्स में इंक्लूड हैं तीनों बुक्स। पहली बुक कलर्ड होगी, दूसरी बुक्स भी कलर्ड होगी, तीसरी बुक्स में 10 ईयर आएंगे आपके, 10 ईयर, और साथ के साथ 6 सैंपल पेपर्स मैंने उसमें इंक्लूड करके दिए हैं, यानी वो डुअल कॉम्बो है, 10 ईयर्स का और सैंपल पेपर का। पहली बुक की तरफ देखें, पहले बुक में या दूसरी बुक में भी हमेशा साइड वाला पेज खाली है, एक पेज कलर्ड है ना, दोनों बुक्स कलर्ड है, साइड वाला पेज खाली है। सर, साइड वाला पेज खाली क्यों है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आपको रंग भरने हैं, है कि नहीं बात? तो उसकी ज़िंदगी में रंग भरने हैं। कैसे सर? जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा एग्जाम्पल्स, राइट, जो भी मैं आपको दूंगा प्रेजेंटेशन, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज खाने में अगर अच्छी हो तो वो दिखने में भी अच्छी होगी, तभी वो बिकेगी, राइट। यानी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन में आपको करवाऊंगा केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है, राइट, थियोरिटिकल क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रेजेंटेशन हो, केस स्टडीज हो, या जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स हो, जो भी लिखवाऊंगा वो साइड वाले पेज पर लिखते जाना है। जैसे राइट वाले पेज पर अगर आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है हमारा इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, तो लेफ्ट वाले पेज पे आप उसके लिए जो भी प्रेजेंटेशन है वो दूंगा। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो है सर कार्टून प्रेजेंटेशन। कार्टून प्रेजेंटेशन में आपको टॉपिक वाइज देता जाऊंगा, आप अपने साइड वाले पेज पर लिखते जाएंगे, क्योंकि कार्टून प्रेजेंटेशन ही है जो 95 से 100 का सफर तय करवाती है, राइट। आप पास्ट ईयर्स के टॉपर्स की कॉपी अगर आप देखेंगे, है ना, जो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आप देखोगे हर क्वेश्चन में कार्टून प्रेजेंटेशन बनाई गई है, वो मैं आपको टॉपिक वाइज दूंगा, पूरा टॉपिक वाइज। बहुत सारी प्रेजेंटेशन होंगी, एग्जाम में बना के आएंगे, पूरे नंबर आएंगे। तीसरी बुक में सर हमें पढ़ना कैसे है, जो आपके पास 10 ईयर और सैंपल पेपर्स हैं, जैसे ही आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ, तीसरी बुक उठाएंगे आप 10 ईयर वाली, पहले चैप्टर की जितनी भी पिछले 10 सालों में केस स्टडीज आई हैं सारी सॉल्व करनी है, राइट, सारी पढ़नी है, सारी सॉल्व करनी है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मैंने पिछले 10 सालों की केस स्टडीज कर ली। जो मैंने आपको अपनी बुक में केस स्टडीज दी हैं वो तो बिल्कुल हीरे की तरह हैं, हीरे की तरह, एक एक केस स्टडी बिल्कुल हीरे के समान है, वो सारी आपको करनी ही करनी है, बहुत सारी केस स्टडीज आपको मिलेंगी, राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केस स्टडीज आपको लिख के देखनी है हर चैप्टर की, हर दिन कोई ना कोई केस स्टडी आपको हाथ से लिख के देखनी है, क्योंकि एग्जाम में रिटन पेपर है, ओरल पेपर नहीं है दोस्तों। और आखिरी बात, कुछ एमसीक्यूज मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको लिखवाता जाऊंगा, वो भी आपको साइड वाले पेज पे नोट करने हैं। कुछ एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, राइट, ट्रू फॉल्स आपकी बुक में है ही आपके पास। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत खास, खतरनाक एमसीक्यू जो मैंने बनाए हैं या पिछले 10 सालों में आए हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखना, चीज़ें याद कैसे होती हैं, लिखने से होती हैं। अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, राइट। तो कुछ एमसीक्यूज हम लिखेंगे, कुछ एमसीक्यूज आपकी बुक में है ही, केस स्टडीज आपकी बहुत सारी बेशुमार बुक में है ही। सर, और कोई किताब लेने की जरूरत है क्या? और कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं आपको मेटेरियल दे रहा हूं उसे ही पढ़ना है, और कोई मेटेरियल नहीं पढ़ना। ये 3 बुक है ना, इतनी मोटी मोटी आपकी 3 बुक बन रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना है। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, पढ़ेंगे लेक्चर्स को, एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो आपको लगता है नोट करना है
उसे नोट करते जाइएगा, राइट, हेडफोन लगा के फोकस करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। 100 में 100 का मिशन है जो हमें किसी भी हालत में पूरा करना है, और 2022 में जब रिजल्ट आएगा तो हमें उसमें देखना है 100 में से 100। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक तुम्हें करना क्या है, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सपनों को देखते रहिए और उन्हें पूरा करने की पूरी जी जान लगा दीजिए।